हेलो, नमस्ते। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर क्लास में। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके राजस्थान कल्चर के होते हैं। करंट अफेयर्स उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजस्थान कल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर अगर आते हैं पेपर में, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं जो कि आपको हो सकता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाएं। इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन रिलेटेड करंट अफेयर्स किस किस के मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर राजस्थान कल्चर से रिलेटेड, प्लस यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड अभी कुछ करंट अफेयर्स इसके आगे करवाए जाएंगे जो कि आपके इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के करंट अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, राजस्थान प्लस इंडिया लेवल के दोनों के प्रकार के यहाँ पर करंट अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी बात की परेशानी आती है तो क्या करेंगे आप सब, 8442042724 पर कॉल करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम इस वीडियो में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। या फिर आपका टेलीग्राम पे लिंक पिन नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी टेलीग्राम पे दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कॉल लगा करके 8442042724 पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर और देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो क्या करेंगे आप, कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही है तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए, तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो भी आपको देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो को जितना हो सके उतना फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उन सभी तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके और उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आने वाली ग्राम सेवक की परीक्षा है तो उसमें भी आपके हो सकता है कि कल्चर से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन बन के आ जाए, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, या फिर आता है तो भी नोट डाउन कीजिए, यहाँ से एक आंसर मत देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ करके उसको नोट डाउन कीजिए, तब जा करके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कला जिसमें कांच के बीच किसका कार्य होता है, कांच के बीच में सोने का बारीक कार्य किया जाता है, उस कला को क्या कौन सी कला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है यह कला, राजस्थान में इस कला को जयपुर में ऑलमोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कांच के बीच में सोने का बारीक कार्य किया जाता है, तो किस कला में किया जाता है, यह किया जाता है थेवा कला में। किसमें किया जाता है, थेवा कला होती है जिस कला में कांच के बीच में सोने का बारीक कार्य किया जाता है। अच्छा, राजस्थान की एक प्रसिद्ध कला है जो कि जैसलमेर की बहुत प्रसिद्ध है, रेत के धोरों की बहुत प्रसिद्ध है, इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, सोने का घड़ा भी इसको जैसलमेर को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है यह कला, या फिर बीकानेर ले लीजिए, मतलब कि पश्चिमी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहाँ की यह कला बहुत प्रसिद्ध है, जो ऊँटों पर की जाती है, ऊँटों पर उस कला को किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पर उस्ता कला, क्या बोला जाता है, उस्ता कला बोला जाता है जो कि ऊँटों के ऊपर की जाती है, ठीक है। ऊँटों के ऊपर की जाने वाली कला उस्ता कला, ऊँटों के ऊपर की जाने वाली कला, कौन सी कला होती है, तो यह होती है उस्ता कला, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और एक कला है ब्लू पॉटरी कला, कहाँ पर प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी की कला, सॉरी ये थेवा कला तो कहीं और की प्रसिद्ध है, लेकिन ब्लू पॉटरी कला है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्लू पॉटरी कला होती क्या है यह कला, तो यह देखिए मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, राजस्थान में जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उन पर की जाती है ब्लू पॉटरी की कला। मिट्टी पर बर्तन बना करके उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है उसी को यहाँ पर बोला जाता है कौन सी कला, ब्लू पॉटरी कला, ठीक है। कहाँ पर की जाती है, तो ऑलमोस्ट ये जयपुर में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि
क्वेश्चन आपका बन गया कि राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली कला को किस कला के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर क्या दे देंगे, ब्लू पॉटरी कला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में ताकि आपके क्वेश्चन बन के अगर आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। देखिए दिक्कत आती है तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझसे बात कीजिए ताकि आपको वहाँ से सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र पूछा है यहाँ पर, उद्योगों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है राजस्थान में, उद्योगों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, किसी को पता है, सीकर, कौन सा है, सीकर। अब यहाँ पर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो यह हो जाएगा खंडेला। और खंडेला कहाँ आता है, यह आता है सीकर के अंदर। ठीक है, उद्योगों का प्रसिद्ध केंद्र है सीकर। ठीक है, उद्योगों का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा खंडेला, खंडेला जो आता है सीकर में। अगला क्वेश्चन है कि सरपेज, बाड़ाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हमारे आभूषण है ये, है ना, राजस्थान में इन, ये क्या है, कल्चर में इन आभूषणों का नाम लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ तो बोला जाता है, क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन है कि सरपेज, हाँ हमारे यहाँ पर इन सबको बोला जाता है कि सरपेंच लिया हो। ठीक है, उसको सरपेंच भी बोला जाता है, बोलते तो है राजस्थान में भी, लेकिन किसी को पता होता है या किसी को पता नहीं होता है तो वो बोलते नहीं है कि जो पगड़ी पर जो लगाते हैं आगे उसी को बोलते हैं ना सरपेंच, उसी को लेकर आ जाओ। यहाँ पर इन सब के नाम बताए गए हैं कि उसको धुगधुगी भी बोला जाता है, बाड़ाबंदी भी बोला जाता है, उसको पछेवड़ी भी बोला जाता है, लटकन भी बोला जाता है। कहाँ पर किसके प्रकार हो जाएंगे ये किसके प्रकार हो जाएंगे, पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए, जिस वस्तु का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है यहाँ पर लटकन, सरपेज, बाड़ाबंदी, या फिर उसको बोला जाता है धुगधुगी, ये सब इसको बोला जाता है जो कि सरपे, जो कि पगड़ी को चमकीला बनाती है। ठीक है, अब चाहे आप दूल्हे की पगड़ी ले लो या फिर किसी अदर रिलेटिव्स की पगड़ी ले लो या दूल्हे के भाई बंद की पगड़ी ले लो, तो इन सभी के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर सरपेज लगाया जाता है पगड़ी के ऊपर, जो कि जिससे पगड़ी को और शान बढ़ जाती है पगड़ी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तारकशी, देखिए इसको बोला जाता है तारकशी को, धातु के जो बारीक तार होते हैं, धातु के जो बारीक तार होते हैं उससे क्या किया जाता है, उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, तारकशी बोला जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है तारकशी जो है, कहाँ का प्रसिद्ध है या फिर किस ज़िले का या किस राज्य का प्रसिद्ध है, आंसर क्या दे देंगे आप सब, यह हो जाएगा नाथद्वारा का प्रसिद्ध, नाथद्वारा की कला है यह। ठीक है, नाथद्वारा में इस कला को बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए यहाँ यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा का यह प्रसिद्ध है। अच्छा, नाथद्वारा में एक मंदिर है, कौन कौन से मंदिर हैं नाथद्वारा में, एक तो हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर, है ना, एक तो हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर हो जाएगा कहाँ पर, नाथद्वारा में। और क्या, और कौन से मंदिर हैं, और हो जाएगा द्वारकाधीश मंदिर, है ना। अच्छा, नाथद्वारा से एक एमएलए हैं हमारे, नाथद्वारा से एक एमएलए हैं, कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर सीपी जोशी, क्या नाम हो जाएगा, सीपी जोशी हैं जो कि यहाँ पर नाथद्वारा से एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए कौन है यहाँ के, तो ये हो जाएंगे सीपी जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है, झांझरिया नामक आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है, किसी को पता है, झांझरिया नॉर्मल वर्ड है, सभी यूज़ भी करते हैं हमारे नॉर्मल, जैसे अब बोल भी देते हैं हम लोग, भी बोल देते हैं कभी कभार कि झांझरिया पहन रखा है, कि क्या पहन रखा है, पायल पहन रखी है, उसी को यहाँ पर झांझरिया भी बोला जाता है, जो मोटी तरीके की होती है उसको यहाँ पर झांझरिया बोला जाता है। ठीक है, तो झांझरिया कहाँ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, आंसर क्या दे देंगे, पैर में। ठीक है, पैर में इस आभूषण को पहना जाता है। और अगर हाथ के आभूषण आपसे पूछे जाएं कि हाथ में
हाथ के आभूषण कौन कौन से होते हैं, तो हाथ के आभूषण आप क्या बता देंगे, मोगड़ी भी होती है, लाख की चूड़ी भी होती है, बैंगल्स भी होते हैं। अब इसको राजस्थानी में तो बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थानियों के जो नाम है वो अलग अलग हैं, बाकी तो ये कुछ नाम मैं बता रही हूँ, मोकड़ी हो गई, लाख की चूड़ी हो गई, इसी को यहाँ पर राजस्थान में तो यही सब बोलते हैं, ठीक है। बाकी के यहाँ से तो क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके आने लायक हैं उन सभी को यहाँ पर करवाया जा रहा है, जो कि आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए, नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर आपकी दिक्कत आपको आनी है, मेरे को नहीं आएगी, दिक्कत आपको आ जाएगी कि मतलब मैडम ने बताया था लेकिन हमने नोट डाउन नहीं किया। अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपके आने वाले परीक्षा में आप सब क्या करेंगे, आराम से बैठ करके उस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, ताकि आपके क्वेश्चन बन के आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथों में पहना जाने वाला आभूषण मोकड़ी क्या है, हाथों में किसको पहनते हैं, मोकड़ी को, ठीक है। किससे निर्मित है, हाथों में जो पहना जाता है उसको वह किससे निर्मित है, जो कि औरतें पहनती हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किससे निर्मित होती है, तो यह होती है लाख से निर्मित। किससे निर्मित होती है, लाख से निर्मित होती है, ठीक है, लाख से निर्मित होती है, क्या होती है, तो यह हाथ में पहना जाने वाला आभूषण होता है ना। किससे निर्मित हो गया, लाख से निर्मित, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाख की चूड़ी बोलते हैं। यहाँ पर राजस्थान में इसको बोला क्या जाता है, मोकड़ी के नाम से बहुत कम बोला जाता है, जो जानते हैं सिर्फ वही बोलते होंगे मोकड़ी, बाकी का ये इसको बोला क्या जाता है, वैसे नॉर्मल इसको बोला जाता है लाख की चूड़ी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छीपों का अकोला क्या कहलाता है, छीपों का अकोला क्या कहलाता है, तो यह भी कहलाएगा तो अकोला ही कहलाएगा, ठीक है। अकोला क्या कहलाया जाता है, अकोला को अकोला ही बोलते हैं, ठीक है। तो छिपो का अकोला क्या कहलाया जाएगा, यह कहलाया जाएगा अकोला ही कहलाया जाएगा। यह कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, मतलब कि छिपो का जो अकोला होता है यह किस जिले में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में यह स्थित है। कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित, लिख लीजिए, अगर याद नहीं होता है तो लिख के याद रखिए, देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित, जिले में स्थित, ठीक है, याद रखिए चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित होता है ये छिपो का अकोला, ठीक है। अगर पूछा जाएगी इसको बोला क्या जाता है, तो इसको अकोला ही बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनसुक, दुतई, मरजाए, गाबा, गदर आदि किसके प्रकार हैं, यह सब किसके प्रकार होते हैं, जो कि होता है तनसुक, दुतई, मरजाए, गाबा, गबर आदि किसके प्रकार होते हैं, तो यह हो जाएंगे पगड़ी के प्रकार। किसके प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार होते हैं, पगड़ी के प्रकार होते हैं। और होते हैं, देखिए बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हो गया यहाँ पर लहरिया की पगड़ी हो गया, मठरी की क्या होता है, मठील की पगड़ी हो गया, या फिर मोटड़े की पगड़ी हो गया। और देखिए शाही पगड़ियों में अगर पूछा जाए कि शाही पगड़ियाँ कौन कौन सी होती है, तो विजय शाही हो गया, ताना शाही हो गया, या फिर और कौन सी पगड़ी होती है, शिव शाही हो गया, खंजर शाही हो गया, ये सब किसके प्रकार हैं, ये सब पगड़ी के प्रकार होते हैं, जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं वो सब हो, यही सब होते हैं, तानाशाही, गदरशाही, गाबा, दुतई, मरजाई, या फिर और कौन से होते हैं, लहरिया की पगड़ी होती है, मोठड़े की पगड़ी होती है, और कौन सी पगड़ी होती है, खंजर शाही पगड़ी होती है, विजय शाही होती है, और कौन सी होती है, और होती है अमर शाही, राजशाही, ये सब किसकी पगड़ी, ये सब किसके प्रकार है, ये सब पगड़ियों के प्रकार होते हैं। जैसे कोई राजा महाराजा को पगड़ी पहनाई जाती है तो वो शाही पगड़ी पहनाई जाती है, जैसे हो गया तानाशाही पगड़ी पहना दी, विजय शाही पगड़ी पहना दी, या फिर खंजर शाही पगड़ी पहना दी, तो उसी हिसाब से वहाँ पर जैसे जैसे वो बनते हैं कैरेक्टर, वैसे जैसे जैसे कैरेक्टर के राजा होते हैं उनको वैसे वैसे पगड़ियाँ वहाँ पर पहनाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि अमोवा का प्रयोग, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था अकोला, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए, ये अमोवा है और ये अकोला है। अमोवा का प्रयोग कौन करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था, अमोवा का प्रयोग
ऐसे कौन से लोग करते थे जो जिनका जो वस्त्र थे वो पहनते थे खाकी रंग के, तो वो कौन से लोग होते थे, वो होते थे शिकारी लोग। कौन से होते थे, शिकारी लोग वो होते थे जो कि अमोवा का प्रयोग करते थे और खाकी रंग के वस्त्र जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता था। ठीक है, अमोवा किससे मिलता जुलता था, खाकी रंग से मिलता जुलता था और इसका प्रयोग कौन करते थे, शिकारी करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IM शक्ति उड़ान योजना, भाई ये उड़ान योजना मैंने आपको पढ़ा रखी है, इसका नाम क्या है, IM शक्ति उड़ान योजना का नाम और क्या है, इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना, क्या बोला जाता है इसको, इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई, कब की गई थी इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को, इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी, राजस्थान की महिलाओं के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। एक होती है उड़ान योजना, एक होती है उड़ान शक्ति योजना। ठीक है, एक तो होती है फ्री नैपकिन सेट, फ्री नैपकिन वाली, फ्री सैनिटरी नैपकिन जिसके अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, 19 नवंबर को, सॉरी यहाँ पर नवंबर कर लीजिए, नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, यह हुई थी IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत बताया गया था कि महिलाओं को महावारी के टाइम पे जो नैपकिन दी जाती है या फिर बालिकाओं को, किशोरियों को यहाँ पर नैपकिन दी जाएगी, 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी या फिर इनको यह फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने का कार्य किया जा रहा था। किसके द्वारा, तो यह किया जा रहा था राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो राज्य स्तर पर कितने बनेंगे, राज्य स्तर पर दो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इससे, किससे, IM शक्ति उड़ान योजना के लिए राजस्थान में राज्य स्तर पर दो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, प्लस जिला स्तर पर कितने ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो एक ब्रांड एम्बेसडर बनेगा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर दो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे IM शक्ति उड़ान योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना के कितने साल की भर्ती दी जाएगी, युवाओं को सेना में कितने साल की भर्ती दी जाएगी अग्निपथ योजना के, सेना योजना के तहत। अभी भर्ती चल रही है, अभी यहाँ पर तो राजस्थान में बहुत हालत ख़राब है इसकी कि मतलब अग्निपथ की, तो मतलब अग्निपथ के लिए, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत बहुत विरोध किया जा रहा है इस योजना के तहत। तो यहाँ पर इसके लिए पूछा है कि इसमें कितने साल के लिए सेना को, युवाओं को भर्ती दी जाएगी, तो इसके लिए पूछा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 साल के लिए। किसके लिए दिया जा रहा है, 4 साल के लिए यह भर्ती की जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट हर वर्ष कितने वर्ष कितने लोगों को दिया जाता है, 45,000 से अधिक युवा इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, जिनमें इनको 40,000 रुपये इनकी सैलरी होती है, सिर्फ 4 महीने की इनकी, 4 साल की लिए होती है, जिसमें 6 महीने की तो इनको क्या दी जाती है, फर्स्ट ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंतर्गत यहाँ पर इंटर्नशिप के तौर पर उनको पैसे भी दिए जाते हैं, उनकी सैलरी भी बनती है, बाकी यहाँ पर 6 महीने के लिए तो सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बाकी ये और के जो इनकी सैलरी होती है, अगर उसमें ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं तो सैलरी बनती है इनकी 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये इनकी सैलरी बनती है, बाकी यहाँ पर 4 साल के लिए ही सिर्फ ये भर्ती दी जाती है, बाकी इससे ज़्यादा यह भर्ती नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ICC के तरफ से ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है। ICC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत यहाँ पर अभी हाल ही में ताज़ा वनडे क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक टीम रही थी जो कि जीत गई थी, किससे, भारत से यह जीत गई थी। नाम क्या था इस टीम का, न्यूजीलैंड वह टीम थी। ठीक है, न्यूजीलैंड वह टीम थी जिसने भारत को हरा दिया था और यह जीत करके पहले स्थान पर आ गई थी, किसमें, ICC क्रिकेट वनडे टीम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनडे रैंकिंग में, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्रदान करने हेतु
अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। एक योजना का प्रस्ताव रखा है किसके लिए? अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा बने उसके लिए एक प्रस्ताव रखा है। किस देश ने रखा है? कब तक रखा है? रखा है 2028 तक। यहाँ पर किस देश ने रखा है, नाम पूछा है, तो नाम लिख दीजिए देश का, बांग्लादेश। बांग्लादेश है जिसने यहाँ पर 2028 में अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक प्लान बनाया है, एक योजना तैयार करी है। तो उसके लिए यहाँ पर 2028 तक इसने यह अंतरिक्ष योजना, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को संयंत्र करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें के क्वेश्चंस कभी पूछे जाते नहीं हैं, लेकिन अब ये हो सकता है कि ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आपसे। तो इस पर लगा लीजिए स्टार मार्क। ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 जून को इसको मनाया जाता है। 15 जून को इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। इसके अंतर्गत क्या बताया है? इसके अंतर्गत बताया है कि यह दिवस इस वर्ष का अर्थ, इस वर्ष में अगर मनाया गया तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुजुर्गों से जो दुर्व्यवहार करते हैं उसका मुकाबला कौन कर सकता है? जो भी उनसे दुर्व्यवहार करता है उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बुजुर्गों से आप दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या होगा कि उससे बड़ी गलती आप किसी से कोई भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती है कि बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार करना, यही इस 2022 का, इस वर्ष का जो उद्देश्य बताया गया है या फिर इस वर्ष का जो अर्थ बताया गया है वो यही है कि मतलब दुर्व्यवहार करना बुजुर्गों के साथ में, इससे बड़ी गलती हमारी नहीं है दूसरी कोई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्ष बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र को बंद कर दिया है, यहाँ पर कितने वर्ष बाद इसने बंद किया है? तो यह हो जाएगा इसका 27 वर्ष बाद इसने बंद किया है। कितने वर्ष बाद बंद किया है? 27 वर्ष बाद इसने वेब ब्राउज़र को बंद कर दिया है। हाँ, और वेब ब्राउज़र का अगर पूछा जाए कि पहली बार इसको लॉन्च कब किया गया था, वेब ब्राउज़र को यूज़ कब किया गया था, 1995 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था। इसकी शुभारंभ अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वेब ब्राउज़र का शुभारंभ कब किया गया था, तो आंसर क्या कितना दे देंगे? 1995 में इसका शुभारंभ किया गया था वेब ब्राउज़र का। लेकिन 27 वर्ष अब हो चुके हैं उसके, तो यहाँ पर देखिए 20 और 7 27 हो गए ना, तो 27 वर्ष यहाँ पर इसको हो चुके हैं वेब ब्राउज़र को शुरू किए हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्ष बाद में इसको बंद किया है? तो 27 वर्ष बाद इसको बंद करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? यह करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह वेब ब्राउज़र इंटरनेट को अब 15 जून को बंद करने वाला है। और वेब ब्राउज़र को पहली बार कब शुरू किया गया था? 1995 में इसको शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए कि मतलब वेब ब्राउज़र को कब शुरू किया गया था और कब बंद किया जा रहा है, कितने वर्ष बाद बंद किया जा रहा है, किसके थ्रू बंद किया जा रहा है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप उसका आंसर दे सके। बाकी के आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखते हैं, आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए मुझसे बात कीजिए, कमेंट के जरिए आप पूछिए कि मैडम इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही है, या फिर इस टाइप के आप क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि मुझे भी पता हो जाए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मतलब जो भी पढ़ रहे हैं मेरे आदरणीय ही पढ़ रहे हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी, तो मेरे आदरणीय ही पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में, तो यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं तो वो सभी क्या करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब आप बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आप यहाँ पर मुझे आंसर दीजिए, ताकि आपकी जो भी दिक्कत है वो सारी दिक्कत का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। कमेंट के जरिए आप मुझे बताइए कि
मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हो गया, या फिर ये कैसे हो सकता है, या फिर इस टाइप के आप क्वेश्चन करवा दीजिए जो कि हमारे पेपर में आने लायक है, या फिर इस स्टेट के करा दीजिए। आपको जैसे भी क्वेश्चंस चाहिए वो सारे क्वेश्चंस आप मुझसे डिस्कस कीजिए, ताकि आपके आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और ख़ुद भी प्रिपेयर हो जाऊँ, ताकि मेरे भी एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे भी प्रिपरेशन करनी होती है, उसके लिए मैं भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैडम किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सभी को चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी बात की दिक्कत आती है, देन प्लीज़ 8084204274 पर कॉल कीजिए, या फिर 7891078951 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ताकि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर, सभी प्रकार की दिक्कत का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ नहीं है, दिक्कत का सॉल्यूशन आपकी होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत का सॉल्यूशन देने के लिए आपको यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो को जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक हो जाएगी और उन सभी को भी हमारे इस वीडियो से बहुत बहुत मतलब तैयारी हो सके उनकी भी, तो इसके लिए उनको यहाँ से बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। आप प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पर आज खड़े किया है आप सभी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल के लिए आपको आना है और आपको यहाँ पर फिर से क्लास को ज्वाइन करके और आगे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आज के लिए नमस्कार।